वेल, आज हम बात करेंगे अपनी प्यारी जिन्नी के ऊपर। और हाँ, वीडियो के एंड होते होते तक मैं आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताऊंगा जिसको देखते हुए आप ये गाड़ी की तरफ जा सकते हैं या फिर इसका प्लान बना सकते हैं या फिर इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यस, टुडे वी विल टॉक अबाउट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जिन्नी। और हाँ, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्नी का कॉम्पैक्ट साइज विथ 5 डोर। वेल, जिन्नी भी सब 4 मीटर के ग्रुप में शामिल हो चुकी है ना, क्योंकि सब 4 मीटर में 4x4 SUV, वो भी 5 डोर्स के साथ, जिन्नी को कंसीडर करने का ये सबसे मेन और सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। दैट मींस जिन्नी इजी टू ड्राइव व्हीकल होने वाली है। सेकंड, वाइड सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क। जी हाँ, ये बात तो एकदम सही है, एकदम सच है कि मारुति सुजुकी के सबसे ज्यादा सर्विस सेंटर्स आपको हर जगह, इवन छोटे छोटे शहरों में भी देखने को मिल जाएंगे। और मारुति सुजुकी की सेल्स तो क्या ही बोलूँ, मतलब उसकी तो बात ही निराली है। अगर बात करें लास्ट ईयर सेल्स फिगर्स की, तो कंपनी ने 19,66,164 यूनिट्स टोटल यूनिट सेल किया है। मतलब सुनकर ही शौक लग जाता है भाई। थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा ही मतलब चर्चा में रहता है कि भाई कितना देती है। तो भाई हाँ, जिम्नी हैज़ अ 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन, जो कि पहले से ही मारुति अपनी बहुत सारी कार्स में लाइक सियाज में देते आ रही है। एंड हाँ, इट कैन डिलीवर अप टू 20.6 किलोमीटर पर लीटर, जो कि जिम्नी को जिम्नी के हिसाब से या फिर SUV के हिसाब से बहुत ज़्यादा औसम रहने वाला है। फोर्थ पॉइंट है रिलायबिलिटी। तो हाँ, रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है मारुति सुजुकी, या फिर कह लीजिए कि जब भी रिलायबिलिटी की बात होती है तो सबसे पहले हम सबके माइंड में आती है मारुति सुजुकी का नाम। तो भाई ये रिलायबिलिटी वाला जो पॉइंट है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ही अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट होने वाला है न्यू फ्रेश लुक्स। और हाँ, मैं आज यहाँ पे फीचर्स की बात नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको फीचर्स के रिगार्डिंग एक वीडियो चाहिए तो काइंडली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और हाँ, इसका जो न्यू फ्रेश लुक्स है, मतलब क्या है, अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, मतलब आपको अगर मार्केट में स्टैंड आउट करना है, तो यू कैन गो फॉर जिम्नी, क्योंकि इसका लुक्स बहुत ज़्यादा फ्रेश होने वाला है। मतलब पहले बार लॉन्च हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत ज़्यादा ये अपनी फ्रेश लुक्स को लेकर के ये चर्चा में रहने वाली है। वेल, आप लोग को क्या लगता है कि जिम्नी क्या कर पाएगी, और आप लोग का मतलब क्या व्यूज है आप लोग का जिम्नी को लेकर के, काइंडली नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वेल गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको, आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और हाँ, मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, पर बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो देखकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज काइंडली सपोर्ट अस। और हाँ, कार से प्यार फैमिली में आप सबका स्वागत है। टिल देन अपना खूब सारा ध्यान रहेगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।